बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन ने अपने करियर में सभी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। उनमें से एक अभिनेत्री है रानी मुखर्जी, जिनके साथ इन्होंने 3 फिल्में की, जिनमें इन दोनों की काफी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। उसके बाद इन दोनों ने कोई और फिल्म नहीं की। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अजय का रानी के साथ काम न करने के पीछे काजोल का बहुत बड़ा हाथ है। आखिर क्यों वह अजय देवगन को रानी मुखर्जी के साथ काम नहीं करने देती, इसके पीछे की क्या है वजह, आज की इस वीडियो में हम यही बात तो बताएंगे आपको। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और साथ ही हम सभी के फेवरेट अजय देवगन के लिए वीडियो को लाइक तो कर दो। अजय देवगन और रानी मुखर्जी ने साथ में 3 फिल्में की, 2003 में चोरी चोरी, एलओसी कारगिल और साल 2004 में युवा, जिनमें इनके और रानी मुखर्जी के काम की बहुत तारीफ हुई। हालांकि इससे पहले ही साल 1993 में काजोल और अजय देवगन की शादी हो चुकी थी, पर फिर भी काजोल और रानी की दुश्मनी को जानते हुए भी, काजोल के मना करने के बाद भी रानी के साथ काम किया उन्होंने। पर जब अजय के साथ रानी के काम के साथ साथ उनकी केमिस्ट्री की तारीफ हुई तो यह सब देखकर काजोल को बड़ा गुस्सा आया। पर फिर उन्होंने बहुत ही गुस्से में अजय से कहा, तुमने उसके साथ अब तो काम कर लिया है, पर आगे मेरी दुश्मन के साथ तुम कोई फिल्म में काम नहीं करोगे। मुझे कसम दो, अगर मेरे मना करने के बावजूद ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। इन दोनों की दुश्मनी की वजह से काजोल ने इन्हें उनके साथ काम करने से मना कर दिया, और इन्होंने भी काजोल की ऐसी हालत देखकर अच्छे पति का फर्ज निभाते हुए अपनी पत्नी की बात मान ली और अपनी साली जी, जो इनकी वाइफ की दुश्मन है, उनके साथ काम नहीं किया। इस तरह अजय और रानी ने कभी दोबारा साथ में काम नहीं किया, क्योंकि अजय काजोल को हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या काजोल का ऐसा करना ठीक था या गलत? आप अपनी राय कमेंट में दे दो, और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।